जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग 12th क्लास की मैथमेटिक्स की सीरीज में आगे बढ़ेंगे। जो हमारा चैप्टर चल रहा था वो था कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, जिसमें हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे थे। डिफरेंशिएशन में लिमिटेड फार्मूले हमने देख लिए और अब हम उनका एप्लीकेशन कर रहे हैं क्वेश्चन पर अप्लाई करके, कि कैसे क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे उस फार्मूले को अप्लाई करना है। तो इसी सिक्वेंस में हमारी ये लास्ट एक्सरसाइज है प्रैक्टिस प्रॉब्लम की, जिसको आप मिसलिनियस एक्सरसाइज बोलते हैं, चैप्टर 5 12th क्लास की एनसीईआरटी, वो आप खोल लीजिएगा और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। इसका डिफरेंशिएशन करना है, फर्स्ट क्वेश्चन है। तो डिफरेंशिएशन करना है तो क्या कर दीजिए, ये क्या लिखा है रूट एक्स, तो रूट एक्स का क्या हो जाता है 1/2 रूट एक्स इंटू अंदर जो है उसका कीजिए 3, एक्स का आ जाएगा 1 और 2 का कांस्टेंट। ये क्या लिखा है 1/√x, तो रूट एक्स 1/√x को क्या लिख सकते हैं x^-1/2। तो डिफरेंशिएशन में पावर इंटू में लाते हैं और पावर से एक घटा देते हैं, यही करते हैं। तो इसको क्या हो जाएगा -1/2 2x² + 4^-3/2 इंटू अंदर क्या है 2x² + 4, तो उसका करेंगे तो क्या आ जाएगा 4x + 4 का 0, 2 से ये 2 हो गया, तो क्या आया 3/√3x + -2x/2x² + 4^3। ये आपका क्या है आंसर है, ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट, ये क्या लिखा है लॉग, बेस क्या है 7। तो सबसे पहले हम बेस चेंज कर देंगे, क्यों, क्योंकि अगर लॉग एक्स हो तो उसको क्या लिख देंगे 1/x, उसमें भी लॉग का बेस क्या होना चाहिए ई, तो इसको ई में चेंज कर दीजिए, तो लॉग बेस चेंज करने का फार्मूला आपको बताए थे, क्या बताए थे लॉग ए लॉग बी बेस ए ये लिखा हो और हमें किसी दूसरे बेस में ले जाना हो, सपोज ई में ले जाना है, तो लॉग बेस लॉग बी बेस ई डिवाइडेड बाई लॉग ए बेस ई, ये करते हैं, वही चीज़ यहाँ पर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा लॉग लॉग एक्स बेस ई डिवाइडेड बाई लॉग 7/e। ये log log x लिखा है तो इसका ये तो हो जाएगा कांस्टेंट नीचे वाला, वो लिखा है log x, log x का 1/x इंटू log x का 1/x, तो ये क्या आया 1/x log 7 बेस ई लॉग, ये आपका क्या है आंसर, ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस क्वेश्चन पर थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, होता कुछ नहीं है इसमें, ठीक। किसको डिफरेंशिएट करना है, इसको किसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, तो जिसके रिस्पेक्ट में करना है उसको डिनोमिनेटर में रख दीजिए और जिसको करना है उसको न्यूमरेटर में रख दीजिए। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो मान लीजिए इसको y और इसको मान लीजिए y1, तो आपको क्या निकालना है dy/dy1, तो y किसका फंक्शन है x का, तो इसी को आप क्या लिख दीजिए dy/dx / dy1/dx,
पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ाए थे आपको, बस उसी का अप्लीकेशन यहां पर करना है। इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे क्या आएगा, साइन टू साइन स्क्वायर एक्स लिखा है तो लिखा आ जाएगा टू साइन एक्स, फिर साइन एक्स का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, ये क्या लिखा है ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स, और कॉस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, साइन साइन कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा माइनस टू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई ई की पावर कॉस एक्स, ये आपका क्या है आंसर, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट ये क्या लिखा है एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन का क्या होता है डिफरेंशिएशन, नाइन थ्री एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस फाइव की पावर एट इंटू अंदर का कीजिए तो थ्री एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा सिक्स एक्स, और नाइन का नाइन एक्स का नाइन, ये आपका क्या है ठीक। साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस की पावर सिक्स एक्स डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कीजिए तो ये हो जाएगा थ्री साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स का कॉस एक्स प्लस सिक्स इधर ले जाइए तो सिक्स कॉस की पावर फाइव एक्स फिर कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, कुछ कॉमन है साइन एक्स कॉस एक्स कॉमन है तो क्या बचा थ्री साइन एक्स माइनस सिक्स कॉस की पावर फोर, ये आपका क्या है आंसर ठीक। एक्स और उसके ऊपर पावर लिखी है एक्स, इसका क्या मतलब है कि इसको लॉग ले लीजिए सबसे पहले, तो मान लीजिए वाई इज इक्वल टू फाइव एक्स की पावर थ्री कॉस टू एक्स, तो लॉग वाई इज इक्वल टू थ्री कॉस टू एक्स लॉग फाइव एक्स, क्यों क्योंकि लॉग एम की पावर एन होता है एन लॉग एम, इस फार्मूले का यूज करके हमने ये लिख लिया, ये फर्स्ट फंक्शन है ये सेकंड फंक्शन है, डिफरेंशिएट कर दीजिए वन अपान वाई और वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन कॉस टू एक्स, सेकेंड फंक्शन लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपान एक्स फिर इंटू एक्स का कीजिएगा तो फाइव आ जाएगा प्लस लॉग फाइव एक्स, कॉस टू एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन टू एक्स फिर टू एक्स का करेंगे तो क्या आ जाएगा तो डी वाई बाई डी एक्स क्या मिला थ्री वाई, फाइव से फाइव कैंसिल तो क्या मिला कॉस टू एक्स माइनस टू साइन टू एक्स लॉग फाइव एक्स, वाई की वैल्यू रख दीजिएगा थ्री, वाई की वैल्यू क्या है फाइव एक्स की पावर थ्री कॉस टू एक्स, कॉस टू एक्स माइनस टू साइन टू एक्स लॉग फाइव एक्स, ये आपका क्या है आंसर ठीक, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इनटू इसके अंदर का कीजिए तो यू और वी का फार्मूला लगा लीजिए तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपान रूट एक्स प्लस रूट एक्स फर्स्ट का डिफरेंशिएशन वन, तो ये क्या आया
वन अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब इंटू ये क्या लिखा है वन बाई टू, ये हो जाएगा रूट एक्स प्लस रूट एक्स, ये क्या हो जाएगा थ्री बाई टू रूट एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स क्यूब आंसर। ठीक, स्टेप वाइज बस केवल सॉल्व करते चले जाइए, कुछ भी घबराना नहीं है। यहां पर क्या करना है, ऊपर x है नीचे x है, तो u बाई वी का फार्मूला, और जब u बाई वी का फार्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस वन अपान एक्स स्क्वायर इंटू एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन वन बाई टू माइनस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन रूट एक्स का डिफरेंशिएशन वन अपान टू रूट एक्स, फिर रूट एक्स के अंदर क्या है टू एक्स प्लस सेवन तो टू डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिएगा, जो आए वो आपका आंसर है। ठीक, यहां पर देखिए, यहां पर हम इसको पहले सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, आंसर दोनों तरीके से आएगा, आप विदाउट सिंप्लीफिकेशन करेंगे तब भी आएगा, विदाउट सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो कैसे आएगा, इस पूरे को x मान लीजिए तो cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस वन अपान वन प्लस एक्स स्क्वायर, फिर x का करेंगे, x में ये ऊपर है न्यूमरेटर नीचे है डिनोमिनेटर, तो u बाई वी का फार्मूला लगा लीजिएगा, डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा। ठीक, फिर सॉल्व कर लीजिएगा। दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो पहले मैं सिंप्लीफाई कर लेता हूं इसको, कैसे जाने कि सिंप्लीफाई करना है, केवल और केवल अभ्यास, ये कॉट इनवर्स है हमें यहां पर कॉट लाना है। ठीक, तो कॉट इनवर्स इसको क्या लिखिए, ऐसा कीजिए कि स्क्वायर रूट हट जाए, मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और परफेक्ट स्क्वायर दो ही तरीके से बन सकता है, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स की जगह टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू। ऐसा क्यों किए, क्योंकि ये बन गया साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। इसी तरह ये वाला क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई डिवाइडेड बाई, ये यही है जो यहां पर लिखा है, माइनस यही है जो यहां पर लिखा है, आप इसको लिख लीजिएगा, हम नहीं लिख रहे हैं बार बार। तो कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स खाली, ये क्या बना साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, स्क्वायर कर दिए रूट हट गया, प्लस ये क्या है साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई, ये साइन एक्स बाई टू प्लस कॉस एक्स बाई, ठीक माइनस ये क्या है साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स बाई, तो कॉट इनवर्स ये और ये कैंसिल, यहाँ पर ये और ये कैंसिल, तो ये क्या आया टू साइन एक्स बाई टू, और ये क्या आया टू कॉस एक्स बाई,
cot inverse 10 x by, ठीक, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई, ठीक, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, उसी का इस्तेमाल कर दीजिए। अगर नहीं पढ़ा है तो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। तो इसको क्या हो जाएगा, cot इनवर्स, और ये हो जाएगा क्या, सॉरी, ये क्या हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस टेन इनवर्स टेन एक्स बाई, तो ये क्या हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस एक्स बाई। अभी हमने ये वाई की वैल्यू निकाली है, फंक्शन को ही हमने सिंप्लीफाई किया, अभी डिफ्रेंसिएशन किया नहीं है। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स, इस पूरे को y मानते चले जाइए, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो माइनस वन बाई आंसर। बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, x की पावर x है, इसका मतलब सबसे पहले क्या लेना है, log, तो लेट y इज इक्वल टू log x की पावर log x, log ले लीजिए, तो log y इज इक्वल टू log x इंटू log ऑफ log x, ठीक, वही फार्मूला लगाए हैं, log m की पावर n इज इक्वल टू n log m। अब आप इसको क्या कर दीजिए, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो log y का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई वाई, फिर y का dy वाई बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई log x, फिर log x के अंदर का कीजिए 1 बाई एक्स, प्लस log log x इंटू log x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई, तो क्या आया, dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई 1 प्लस log log x डिवाइडेड बाई x, ये आपका आंसर है। y की वैल्यू रख दीजिएगा, y की वैल्यू क्या है, log x की पावर log x, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। जो हमने पढ़ा है उसी को खाली अप्लाई कर रहे हैं, तो बार बार फार्मूला की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। बहुत ही सिंपल, इस पूरे को x मान लीजिए, तो cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, वैल्यू रख दीजिए, इनटू अंदर का कीजिए तो ए, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स प्लस बी, कॉस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, तो क्या आ गया, ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स इंटू साइन ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स, ये आपका क्या है, आंसर है, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, दिस की पावर एक्स की पावर एक्स समथिंग है, इसका मतलब इसका क्या ले लीजिए, लॉग y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और इसकी पावर है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, लॉग ले लीजिए, तो लॉग y इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स,
डिफरेंशिएट कर दीजिए। चीज़ें बहुत ही आसान हैं, लेयर बाय लेयर, स्टेप बाय स्टेप आपको के सामने ही खुलती जाएंगी चीज़ें। तो वन बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन। तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन, तो लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाई एक्स इन टू, इसके अंदर का कीजिए तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, ये और ये कैंसिल प्लस। ये तो फर्स्ट और सेकेंड का डिफरेंशिएशन कर दिए। अब सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन। यहां से क्या आया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बाहर ले लीजिए, फिर आ जाएगा वन प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। y की वैल्यू रख दीजिए साइन x माइनस कॉस x की पावर साइन x माइनस कॉस x इन टू साइन x प्लस कॉस x वन प्लस log साइन x माइनस कॉस x। ये आपका क्या है आंसर है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, कई सारे फंक्शन का क्या है सम है, सिर्फ दिक्कत यहां पर आएगी। इसको मान लीजिए y1, बाकी और किसी को मानने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा a x की पावर a माइनस वन, इसका डिफरेंशिएशन हमें पता है a की पावर x log a, ये हमें पता है, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। समस्या कहाँ आएगी जब एक्स की पावर एक्स है, तो मान लेते हैं लेट वाई वन इज इक्वल टू एक्स की पावर एक्स, लॉग ले लीजिए तो लॉग वाई वन इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स, डिफरेंशिएट कर दीजिए वन बाई वाई वन डी वाई वन बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो ये क्या आ जाएगा डी वाई वन बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई वन एक्स प्लस लॉग एक्स, एक्स नहीं वन प्लस लॉग एक्स। वाई वन वन प्लस लॉग एक्स वहां पर जाकर के पुट कर दीजिए तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या निकला y1 की वैल्यू रखिए तो x की पावर x 1 प्लस लॉग x प्लस इसका डिफरेंशिएशन अगले टर्म का ये निकला प्लस इसका डिफरेंशिएशन ये निकला और इसका, ठीक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत? ये आपका आंसर, ठीक है। एक्स की पावर एक्स है, सिंपल सी बात है, लॉग लेना है, तो ये मान लेते हैं वाई वन और ये मान लेते हैं वाई टू, तो वाई इज इक्वल टू क्या मिला वाई वन प्लस वाई टू, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या मिला डी वाई वन बाई डी एक्स प्लस डी वाई टू बाई डी एक्स, ठीक। तो वाई वन की वैल्यू अलग से निकाल लेते हैं, एक्स की पावर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री, लॉग ले लीजिए तो लॉग वाई वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री लॉग एक्स, फर्स्ट इंटू सेकेंड का फार्मूला लगा दीजिए, तो वन अपान वाई वन डी वाई वन बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। तो डी वाई वन बाई डी एक्स क्या निकला x की पावर x स्क्वायर माइनस थ्री
एक्स स्क्वायर माइनस थ्री बाई एक्स प्लस टू एक्स लॉग एक्स, ये क्या निकला डी वाई वन बाई डी एक्स। सिमिलरली वाई टू निकालिए, वाई टू इज इक्वल टू क्या है एक्स माइनस थ्री की पावर एक्स स्क्वायर, लॉग ले लीजिए तो लॉग वाई टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स माइनस थ्री, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए वन बाई वाई टू डी वाई टू बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन। तो डी वाई टू बाई डी एक्स टू क्या, डी वाई टू बाई डी एक्स क्या मिला, वाई टू की वैल्यू रखिए एक्स माइनस थ्री की पावर एक्स स्क्वायर बाई एक्स माइनस थ्री प्लस टू एक्स लॉग एक्स माइनस थ्री। हमें इसकी वैल्यू मिल गई है, पहले हम निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू मिल गई है निकाल चुके हैं, दोनों को जाकर सम कर दीजिएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट, बहुत ही आसान है, पैरामेट्रिक इक्वेशन है तो हमें क्या निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी टी। डी वाई बाई डी टी जरा निकालिए, टी के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, 12 तो कांस्टेंट है, 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन, तो क्या आ गया 12 साइन टी। इसको निकालिए डी एक्स बाई डी टी, 10 कांस्टेंट है, टी का डिफ्रेंशिएशन 1 और साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस, ये वैल्यू यहाँ पर जाकर के पुट कर दीजिए तो डी वाई बाई डी एक्स क्या मिला डी वाई बाई डी टी 12 साइन टी और डी एक्स बाई डी टी 10 1 माइनस कॉस टी। इसको और सॉल्व करना है तो और सॉल्व कर लीजिए 12 बाई 10 साइन टी को क्या लिख दीजिए 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2। कॉस टू थीटा का ऐसा फार्मूला लगाइए कि वन कैंसिल हो जाए, तो क्या लगाइए वन माइनस टू साइन स्क्वायर टी बाई, तो वन से वन कैंसिल, टू से टू कैंसिल, साइन स्क्वायर से ये साइन कैंसिल, तो क्या मिला 1.2। 12 को 10 से भाग करेंगे 1.2 आ जाएगा और कॉस बाई साइन कॉट टी बाई, ये आपका क्या है आंसर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस स्टेप बाय स्टेप करते चले गए। बहुत ही आसान है, अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स क्या मिलेगा साइन इनवर्स एक्स का अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन अपान, इसको भी वही कर दीजिए अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर एक्स की जगह ये है फिर इनटू रूट एक्स का क्या होता है वन अपान टू रूट एक्स फिर इनटू अंदर का कीजिए क्या हो जाएगा वन का जीरो और टू माइनस एक्स स्क्वायर का टू एक्स टू से टू कैंसिल तो ये क्या आया वन अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस प्लस क्यों माइनस माइनस एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। इसको जरा ओपन कीजिए वन माइनस वन प्लस एक्स स्क्वायर तो ये और ये कैंसिल, एक्स स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा रूट लेंगे एक्स आएगा और एक्स कैंसिल तो ये क्या हो जाएगा जीरो। बात समझ में आ गई। ठीक, एक तरीका और है इसका करने का, अगर x यहाँ से प्लस x निकला तो कैंसिल हो जाएगा, अगर माइनस x निकला क्योंकि रूट के अंदर अगर x स्क्वायर है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस x, तो अगर प्लस x लेंगे तो ये जीरो आएगा, अगर माइनस x लिए तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और अगर माइनस x लिए
इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस, ये किसके लिए है, जब इसकी वैल्यू प्लस x निकलेगी रूट के अंदर की, और ये कब है, जब इसकी वैल्यू माइनस x निकलेगी। ठीक, नेक्स्ट बहुत ही आसान है, दो फंक्शन है, फर्स्ट इंटू सेकेंड का फार्मूला लगाइए क्योंकि दोनों इंटू हैं, यहां भी फर्स्ट इंटू सेकेंड का फार्मूला लगाइए क्योंकि दोनों इंटू हैं। कीजिए फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन, ये क्या लिखा है रूट एक्स, रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, फिर अंदर का कीजिए तो 1 का 0 और y का dy by dx, प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, ये हमने खाली अभी उसका किया है जो प्लस के उधर लिखा है, अब इसका करते हैं। फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफरेंशिएशन रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, फिर इसके अंदर का कीजिए तो 1 का 0 और x का 1, प्लस सेकेंड फंक्शन और y का dy by dx, आगे का डिफरेंशिएशन 0। तो यहां पर ये क्या मिला, dy by dx के टर्म एक तरफ ले लीजिए तो यहां पर क्या मिलेगा x अपान 2 रूट 1 प्लस y। ठीक, और यहां पर प्लस रूट 1 प्लस x। ठीक, बचा क्या, बचा एक ये और एक ये, तो इसको आगे लेते जाइए तो रूट 1 प्लस वाई माइनस में प्लस वाई बाई 2 अंडर रूट 1 प्लस। ठीक, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालना है, डिफरेंशिएशन सही है ना, x अपान 2 y सही है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या मिला, माइनस टू 1 प्लस एक्स 1 प्लस वाई प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 1 प्लस एक्स इंटू 2 रूट 1 प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 1 प्लस एक्स 1 प्लस 2 से 2 कैंसिल। ठीक, अब चलिए जरा यहां पर देखते हैं, dy बाई डी एक्स में खाली x है, y नहीं है, तो y निकालने के लिए हम वहां पर उसको क्या करते हैं, लेफ्ट साइड ला करके स्क्वायर कर देते हैं, यहां से यहां से क्या कर दीजिए, यहां से निकालिए रूट 1 प्लस वाई की वैल्यू, तो रूट 1 प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस वाई
अंडर रूट वन प्लस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, पुट करके देखते हैं क्या आता है। ठीक, तो माइनस वाई बाई एक्स अंडर रूट वन प्लस एक्स, ठीक, तो टू अंडर रूट वन प्लस एक्स इन टू माइनस वन बाई वाई बाई एक्स वन प्लस रूट एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई रूट वन प्लस एक्स, ठीक। तो ये हो जाएगा क्या, y नहीं होना चाहिए, y ना होने के लिए ये और ये कैंसिल, ठीक। चलिए देखते हैं क्या होता है। माइनस टू वाई बाई एक्स वन प्लस एक्स प्लस वाई इनटू, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो हो जाएगा वाई बाई एक्स इनटू वन अपान एक्स माइनस टू वाई वन प्लस एक्स बाई एक्स, ठीक। तो क्या आया, वाई बाई एक्स टू वाई प्लस टू एक्स वाई प्लस एक्स वाई नंबर है माइनस, ठीक। और यहां पर क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई एक्स, और यहां पर क्या आ जाएगा वन अपान एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस टू एक्स वाई बाई एक्स, ये और ये कैंसिल, देखते हैं क्या आता है। y बाई एक्स माइनस टू वाई माइनस एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई
माइनस टू एक्स कहीं कुछ गड़बड़ है। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर है। फिर से देखते हैं, जरा दूसरे तरीके से देखते हैं कि आता है कि नहीं। इसको क्या करते हैं, x अंडर रूट वन प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई अंडर रूट वन प्लस एक्स लिख सकते हैं, स्क्वायर कर दीजिए दोनों तरफ, तो एक्स स्क्वायर वन प्लस वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर वन प्लस एक्स। ठीक, अब क्या कीजिए, अब जरा डिफरेंशिएट कीजिए, तो फर्स्ट फंक्शन, सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू, इधर करेंगे तो वाई स्क्वायर इंटू वन प्लस एक्स टू वाई डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x प्लस 2yx इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 2y 1 प्लस x dy बाई dx। ठीक, अब dy बाई dx एक तरफ ले लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस टू वाई माइनस टू एक्स वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू वाई एक्स, लेकिन यहां भी वही दिक्कत आ जाएगी। और क्या तरीका इसका हो सकता है, x इक्वल टू
तरीका एक्स इक्वल टू साइन थीटा। और y इक्वल टू भी क्या मान लेते हैं, कॉस थीटा। अगर यहां पर मैं पुट करके देखूं, x इक्वल टू साइन थीटा और y इक्वल टू कॉस थीटा, तो साइन थीटा इंटू वन प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा अंडर रूट वन प्लस साइन थीटा। ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा। इसमें कॉस टू थीटा का ऐसा फार्मूला लगाइए कि वन कैंसिल हो जाए, तो टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन से हो जाएगा रूट टू कॉस थीटा बाई इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। और ये क्या बन जाएगा, साइन थीटा बाई टू प्लस कॉस थीटा बाई टू का होल स्क्वायर। रूट टू साइन थीटा कॉस थीटा बाई टू इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, लेकिन इससे भी बात नहीं बनेगी। चलिए इसको बाद में बता देंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। अब आपको ये प्रूव करना है कि जो इसकी वैल्यू है, ये इस टर्म की वैल्यू, ये क्या है, कांस्टेंट है, मतलब ए और बी उसमें नहीं है, ना ए है ना बी है ना सी है। तो क्या कीजिए, वैल्यू निकालिए, डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो टू एक्स माइनस ए प्लस टू वाई माइनस बी, फिर वाई का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से dy by dx क्या मिला, x माइनस ए डिवाइडेड बाई y माइनस बी विद माइनस साइन। ठीक, अगर मैं इसी इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकता हूं, x माइनस ए प्लस वाई माइनस बी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसको अगेन डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो वन प्लस फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन इक्वल टू जीरो। तो यहां से देखिए, यहां से डी टू वाई बाई डी एक्स टू की वैल्यू क्या मिली, माइनस वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई
y माइनस टी। हमें क्या करना है, क्या प्रूफ करना है, ये वाली वैल्यू इंडिपेंडेंट है, ठीक। तो प्रूफ कर देते हैं, dy वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है, इसके इक्वल है, वहां पर जाकर के रख देते हैं। तो दिस वैल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ दिस इंटू दिस, वहां पर जाकर पुट कर दीजिए, तो क्या मिला, y माइनस बी डी टू वाई बाई डी एक्स टू की पावर 3 बाई टू डिवाइडेड बाई डी टू वाई बाई डी एक्स टू। ठीक, ये मिल गया। अब ये क्या हो जाएगा, y माइनस बी की पावर 3 बाई टू डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ये पावर लिखा है 3 बाई टू, ये ऊपर जाएगा माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा 1 बाई टू। ठीक, अब अगर मैं वैल्यू रखता हूं डी टू वाई बाई डी एक्स टू, तो ये वाली वैल्यू अगर मैं रखता हूं तो ये कैंसिल हो जाना चाहिए, y माइनस बी कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, तो इसका मतलब क्या है, अलग अलग वैल्यू रख दीजिए। यहां से डी टू वाई बाई डी एक्स टू की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिलेगी, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एक्स माइनस ए वाई माइनस बी डिवाइडेड बाई वाई माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस, ये उधर जाएगा और इसकी वैल्यू क्या है सी, तो वाई माइनस बी का, ठीक, ये वाली वैल्यू जाकर के वहां पर पुट कर दीजिए, तो माइनस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई माइनस बी का क्यू। यहां पर पुट कीजिए, वन प्लस डी वाई बाई डी एक्स वाई माइनस बी, डिवाइडेड बाई डी टू वाई बाई डी एक्स टू, ये क्या लिखा है ऊपर सी स्क्वायर, वही चीज डिवाइडेड बाई वाई माइनस बी का स्क्वायर की पावर 3 बाई टू डिवाइडेड बाई वाई माइनस बी क्यूब माइनस सी स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो यहां पर क्या आया माइनस सी क्यूब बाई सी स्क्वायर माइनस सी, विच इज कॉन्स्टेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ए एंड बी। कहने का मतलब यह है कि हमें यहां पर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी, डी टू वाई बाई डी एक्स टू की वैल्यू निकालनी और उसके बाद पुट कर देना है, वो आपको आंसर दे देगा। ठीक, नेक्स्ट, d
डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है जो कि ये है, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कीजिए, कॉस वाई का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन वाई, वाई का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स, फर्स्ट इंटू सेकेंड का फार्मूला लगा दीजिए, तो फर्स्ट फंक्शन सेकेंड का डिफ्रेंशिएशन, फिर वाई का डी वाई बाई डी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन, फर्स्ट का डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा वन, तो क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स, एक साथ लीजिए एक्स साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई इज इक्वल टू कॉस ए प्लस, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई एक्स साइन ए प्लस वाई माइनस साइन वाई। देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन में यहाँ पर एक्स नहीं है, तो ऊपर वाले इक्वेशन से यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालिए और जा करके पुट कर दीजिए यहाँ पर पुट करिए, तो क्या आएगा कॉस ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई कॉस वाई साइन ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई कॉस ए प्लस वाई माइनस साइन वाई, क्या आया डी वाई बाई डी एक्स कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस वाई कॉस वाई माइनस साइन वाई कॉस ए प्लस वाई। नीचे वाला फार्मूला क्या लिखा है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस वाई माइनस ए, ये कैंसिल, डी वाई बाई डी एक्स क्या मिला कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई साइन ए, आंसर यही प्रूफ करना था, प्रूफ कर दिए। नेक्स्ट इसको आप कर लीजिएगा, दो बार इसका डिफ्रेंशिएशन कर लीजिएगा, दो बार इसका डिफ्रेंशिएशन कर लीजिएगा और फिर क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स टू बाई डी टी टू, ठीक, डबल डिफ्रेंशिएशन करना है बस, ये तो बहुत ही आसान है। फॉर ऑल रियल एक्स, चाहे माइनस एक्स हो और चाहे प्लस एक्स हो, अगर माइनस एक्स हुआ तो एफ एक्स कैसे खुलेगा, माइनस एक्स क्यूब एक्स लेस देन जीरो, एक्स क्यूब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए दो बार, डबल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा ही करेगा, क्यों, क्योंकि फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होंगी बराबर, ठीक, डेरिवेटिव। इस क्वेश्चन पर थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ये आपके आगे जब कुछ टर्म आपको बता देंगे उसके बाद आपको बताएंगे ये वाला क्वेश्चन। ये क्या है, यहां पर y की वैल्यू, इसको ओपन कर दीजिए, एफ एक्स इंटू एम सी माइनस डी एन,
माइनस जी एक्स इंटू एल सी माइनस ए एन प्लस एच एक्स इंटू एल बी माइनस ए एम। डिफ्रेंशिएट कर दीजिए डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या है कांस्टेंट है, एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन एफ डैस एक्स, ये क्या है कांस्टेंट है, जी एक्स का डिफ्रेंसिएशन जी डैस एक्स, ये क्या है कांस्टेंट है। जब इसकी भी वैल्यू ओपन करेंगे तो यही मिलेगा जो लिखा है, इसका मतलब ये प्रूफ हो गया। ठीक, नेक्स्ट dy by dx निकालिए, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है e की पावर x, फिर जो पावर में लिखा है x उसका डिफरेंशिएशन कीजिए, तो a cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 by x स्क्वायर, फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया हमारा। सेकंड डेरिवेटिव निकालिए, सेकंड डेरिवेटिव निकालने से पहले एक चीज और लिख लेते हैं यहीं पर, क्या लिख लेते हैं कि dy by dx इज इक्वल टू, ये क्या लिखा है y, तो हम क्या लिखेंगे माइनस ay डिवाइडेड बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें ये लिखा है u और ये लिखा है v, u by v का फार्मूला लगा करके इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई, तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक पर हम लोग एक एक्सरसाइज इसकी और करेंगे, उसमें रैंडम क्वेश्चन लेंगे ताकि इसकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। ये बहुत ही आपका कोर टॉपिक है, सारी मैथमेटिक्स सारा इंजीनियरिंग इसी पर बेस्ड है, इसलिए डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अच्छे से आना चाहिए, डिफरेंशिएशन पर फुल कमांड रखिएगा तभी आपको इंटीग्रेशन समझ में आएगा। ठीक है, तो तब तक अभ्यास कीजिए, एक क्वेश्चन हमें इसमें बताना है जिसका आंसर नहीं आया था, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बता देंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए, धन्यवाद।